नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेके आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक वीडियो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भाग ब का मॉडल पेपर है मेरे पास। पूरे 30 क्वेश्चन है आज, तो लास्ट में अपना स्कोर बताना और पूरा वीडियो जरूर देखना। पहला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर सोच लीजिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका? सी शिशुनाग ने। दूसरा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? चार ऑप्शन देखिए फटाफट से और आंसर बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको सुमेलित करना है, आपको दो सूची गिवन है। देखिए, यहाँ पे गिवन है कृषि योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि, जंगली भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। अब इसके नाम क्या थे पहले के टाइम में वो आपको बताना है, तो सामने देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। नीचे आपके पास ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके लिए कौन सा नाम प्रयुक्त है, आप मैच कर लीजिए। तो तीसरे के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जैसा जैसा है उसके सामने वो वैसा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका, करेक्ट ऑप्शन है डी महिपाल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से चारों में से देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए नीति निदेशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद पे दो क्वेश्चन है आपके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद देख लीजिए चार आपके सामने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया है, यह आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 क में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन, फिर से एक सूची का क्वेश्चन है आपके, सुमेलित करना है आपको सूची एक और सूची दो। इसमें अनुच्छेद को आपको करना है, एक तरफ सूची एक में आपको मौलिक अधिकार गिवन है, दूसरी सूची में आपको अनुच्छेद गिवन है। किस मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में है वो आपको बताना है, देख लीजिए फटाफट से, और कौन सा ऑप्शन चारों में से करेक्ट होगा वो आप बता दीजिए। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 1, 4, 2, 3। ठीक है, अब आप मैच करके देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको पॉज करके दोबारा देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन या फिर अर्जेंटीना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड या फिर नीदरलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए रूस में। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से एक सूची का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, एक तरफ तो आपके बांध गिवन है सूची में और दूसरी तरफ आपको राज्य गिवन है, मतलब कौन सा बांध किस राज्य में आता है वो आपको बताना है। फटाफट से देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं और कौन सा ऑप्शन नीचे से करेक्ट होगा मैं आपके लिए ये हटा देता हूँ, अब देख लीजिए आराम से। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
तीन दो चार और एक, यानी ए के लिए तीन, बी के लिए दो, सी के लिए चार और डी के लिए एक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउसिन राम में होने का कारण, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, माउसिन राम में होती है, लेकिन उसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका कारण होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? देखिए कौन सा करेक्ट है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला, लगभग 75%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके साइंस के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि, चार ऑप्शन आपके सामने है, रीजन देख लीजिए, फटाफट से रीजन बताइए कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वैसे बहुत इजी है लेकिन कई बार एक जैसी वैल्यू, लगभग बराबर किसी वैल्यू आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आप यहाँ मत कीजिएगा। तो देखिए ढंग से, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, चार ऑप्शन हैं आपके सामने, देख लीजिए कितनी उसकी वैल्यू होती है एक प्रकाश वर्ष की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी वाला, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। आपको कई बुक में ये मीटर में भी मिलेगा, तो मीटर में इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, एक नैनोमीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के, चार ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से आंसर बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10^-7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है, चार ऑप्शन है आपके सामने। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.2 × 10^3 जूल। ये कहीं कहीं पे आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा 4184 जूल, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, तीन पॉइंट पीछे ले लिए, तो 4.18 आता है, तो उसको राउंड ऑफ करके इन्होंने 4.2 × 10^3 जूल लिख रखा है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, एक मेगावाट घंटा यानी MWH बराबर होता है कितने जूल के, ये मैं इसको हटा देता हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, 3.6 × 10^9 जूल। समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से सूची का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक तरफ तो दे रखे हैं जैसे भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध, अब इनको किस में नापते हैं वो सामने आपको सूची में गिवन है, जैसे एमीटर, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर और ओम, तो वो आपको देख के बताना है। ढंग से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2, 3, 1 और 4, यानी ए के लिए 2, बी के लिए 3, सी के लिए 1 और डी के लिए 4। अगला क्वेश्चन, लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है, यानी लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब चलते हैं कुछ दो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके। फोरट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जाता है, C++, बेसिक, कोबोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है बेसिक, फोरट्रान, कोबोल या फिर पास्कल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फोरट्रान। अब हमारे हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अनुकृति व्यास को FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2018 के ताज से नवाजा गया है, नाम याद रखना, अनुकृति वास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानवतावादी फॉरेंसिक के लिए विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना कहाँ पे लॉन्च किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन,
प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान को सिक्किम सरकार ने सिक्किम सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, इवान डुक को कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में? कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में। और किसे? इवान डुक को। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स के विश्व के सबसे ज़्यादा भुगतान वाले एथलीट की सूची में विराट कोहली को 83वां स्थान दिया है, तो अगर आपसे पूछे कि विराट कोहली का इसमें क्या कौन सा स्थान था, तो 83वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी विकसित परमाणु सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी मिसाइल का किया है, अग्नि 5 का किया है। ये रिसेंटली क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना इन्हें। और ये आपकी आंसर की है, आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, तो 24 क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए थे, उसकी आंसर की है। ये वैसे PDF में आपको नीचे मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, PDF मिल जाएगी। ये मैंने आपको सिर्फ देखा, और 6 मैंने आपको करंट अफेयर्स के दे दिए, टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। क्या स्कोर रहा आपका नीचे कमेंट जरूर करना, और डेली हमारा एक वीडियो ऐसा जरूर आएगा आपका, जब तक एग्जाम होगा जब तक डेली एक वीडियो हमारा आपके मॉडल पेपर पे आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी टाइप के डेली वीडियोज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।